तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई हो मजे में हो गए? सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भाई के चैनल को जल्दी से जल्दी, ताकि हर एक फाइनल लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बेहद ही खास, तो पूरी की पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल ने 2021 के इवेंट में जो नए आईपैड लॉन्च किए हैं, उनके प्राइस क्या है, उनके फीचर क्या है, और एप्पल ने जो नई वॉच 7 सीरीज लॉन्च की है उसका प्राइस क्या है, उसके फीचर क्या है, और आईफोन 13 जो नए सीरीज जो निकाले वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। एप्पल ने जो न्यू आईपैड लॉन्च किया उसमें हमें दो कलर देखने को मिल जाएंगे, स्पेस ग्रे एंड सिल्वर, 64 GB और 256 GB में। तो इसमें हमें साइज एंड वेट की बात करें तो वाईफाई मॉडल में हमें 487 ग्राम, मतलब वाईफाई सेल्यूलर मॉडल की बात करें तो 498 ग्राम को हमको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद हम बटन एंड कनेक्ट की बात की जाए तो 3.5 mm हेडफोन जैक एंड ऑन ऑफ स्लीप बैक टच होम सेंसर हमें मिल जाएंगे। स्टीरियो स्पीकर भी हमें मिलने वाला है, ड्यूल माइक्रोफोन, वॉल्यूम अप डाउन, स्मार्ट कनेक्टर, नैनो ट्रे, सेलुलर मॉड्यूल, लाइटिंग कनेक्टर। उसके बाद हमें इन बॉक्स, मतलब बॉक्स में क्या क्या मिलेगा, आईपैड लाइटिंग टू यूएसबी केबल मिलने वाली है, और 20 वाट का जो वो सी पावर का अडाप्टर होता है वो मिलने वाला है। और उसके बाद डिस्प्ले की बात करी जाए तो डिस्प्ले 10.2 रेटिना डिस्प्ले मिलने वाली है, रेटिना डिस्प्ले 10.2 इंच, एलईडी बैकलिट, मल्टी टच डिस्प्ले विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, 2160x1620 रेजुलेशन, 264 पिक्सल पर इंच ट्रू ट्यून डिस्प्ले, 500 nits ब्राइटनेस, फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट, एंड एप्पल पेंसिल भी हमें फर्स्ट जनरेशन देखने को मिलने वाली है। एप्पल पेंसिल हमें देखने को मिलने वाली है खास तौर पर इसके साथ। तो चिप की बात की जाए तो A13 बायोनिक चिप हमें देखने को मिलेगी 64-bit न्यूरल इंजन के साथ। और इसके बाद कैमरा की अगर बात की जाए फ्रेंड, तो 8 MP वाइड कैमरा और डिजिटल जूम, 5x5 एलिमेंट लेंस, गेटेगिंग, ऑटो में स्टेबलाइजेशन और बर्स्ट मोड काफी को देखने को मिल सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करी जाए तो 1080 HD वीडियो रिकॉर्डिंग 25 FPS और 30 FPS में, स्लोमो वीडियो सपोर्ट 4 700 BP 1080 FPS में, टाइम लैप्स वीडियो एंड स्टेबलाइजेशन, वीडियो इमेज स्टेबलाइजेशन, सिनेमैटिक एंड स्टेबलाइजेशन 180 and 700 BP के क्वालिटी में। यह है वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी, बाकी आपके सामने आप पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। उसके बाद फेस टाइम HD कैमरा की बात की जाए तो 12 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, 100 wide फील्ड ऑफ व्यू, 2.4 aperture HD 4 photo, 1080p HD वीडियो रिकॉर्डिंग 25-30-60 के फ्रेम पे, टाइम लैप्स वीडियो विद स्टेबलाइजेशन, एक्सटेंडिंग डायनामिक रेंज फॉर वीडियो अप टू 30 FPS, साइनामेटिक वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड हमें इसको देखने को मिलने वाला है 1080 and 720 की रिकॉर्डिंग पर। लेंस करेक्शन भी मिलने वाला है, रेटिना फ्लैश भी मिलने वाला है, ऑटो इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलने वाला है, बर्स्ट मोड भी मिलने वाला है। तो अगर माइक्रोफोन की बात की जाए, इसमें ड्यूल माइक्रोफोन फॉर कॉल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है। और मोबाइल एंड वायरलेस की बात की जाए तो इसके बारे में जो डिटेल है वो मैंने आपको स्क्रीन पर दे दी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद सिम कार्ड की बात की जाए तो नैनो सिम सपोर्ट, एप्पल सिम एंड ई सिम इसमें सपोर्ट जो करेगा। उसके बाद पावर एंड जो बैटरी की बात आती है वो मैंने पूरी जानकारी इसमें दे दी है, आप रीड कर लीजिए। ये ऑल मॉडल और वाईफाई सेल्यूलर मॉडल के साथ है, हमें आईपैड ओएस 15 देखने को मिलने वाला है। उसके बाद एप्पल ने जो नई आईपैड लॉन्च की है वो हमें 4 कलर में देखने को मिल जाएगी, स्पेस ग्रे, पिंक, पर्पल और स्टार लाइट, जो आप देख सकते हैं उनके ये कलर आपके सामने हैं। हमें 64 GB और 256 में हमें अब ये देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद साइज एंड वेट की बात करें, वाईफाई मॉडल जो 293 ग्राम एंड वाईफाई सेल्यूलर मॉडल 297 ग्राम। और इन दी बॉक्स में क्या क्या आ सकता है, आईपैड मिनी, चार्ज केबल USB-C टाइप केबल 1 मीटर, 20 वाट का अडाप्टर USB-C पावर अडाप्टर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले 8.3 लिक्विड रेटिना डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगी, स्पोर्ट्स एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी पेंसिल के साथ। उसके बाद जो चिप आती है A15 बायोनिक चिप विद 64-bit के साथ आती है, 6 core CPU, 5 core ग्राफिक्स, 16 core न्यूरल इंजन के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। और मिनी के अगर कैमरा की बात की जाए तो 12 MP वाइड कैमरा है, क्यूट LED ट्रू ट्यून डिस्प्ले है और स्मार्ट HDR3 है, फोटो गेटिंग, ऑटो इमेज स्टेबलाइजेशन, वर्सट मोड काफी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, आप रीड कर लीजिए, आपके सामने है डिटेल। और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 24-25-30-60 के फ्रेम में करेगा, 180 वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो 25-30-60 के फ्रेम के रेट पे करेगा, 720
एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 30 के फ्रेम पे करेगा। बाकी डिटेल आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। सिनेमेटिक मोड भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 4K 1080p 720 की वीडियो बनाने में ये आपका काम करेगा। प्लेबैक जूम भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, आप रीड कर लीजिए। फेस टाइम HD कैमरा की अगर हम बात करें तो 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा हमें देखने को मिलेगा। 1080 वीडियो रिकॉर्डिंग 25-30-60 के फ्रेम में, टाइम लैप्स वीडियो स्टेबलेशन, लेंस करेक्शन, रेटिना फ्लैश, बाकी डिटेल आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। सिनेमेटिक मोड भी हमें इसमें हमें देखने को मिल जाएगा 1080 and 720 के वीडियो में। तो उसके बाद बात आती है माइक्रोफोन की, ड्यूल माइक्रोफोन फॉर कॉल, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग इसमें आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम मोबाइल एंड वायरलेस की बात करते हैं, ऑल मॉडल और वाईफाई प्लस सेल्यूलर मॉडल में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, डिटेल आप पढ़ लीजिए, आपके सामने है। उसके बाद पावर एंड बैटरी की बात की जाए तो फ्रेंड ऑल मॉडल वोल्ट एंड 19.3 वाट हॉर रिचेबल लिथियम पोलर बैटरी अप टू 10 आवर ऑफ सर्फिंग दी वेब ऑन वाईफाई और वाचिंग वीडियो, चार्जिंग बाय पावर अडाप्टर USB-C टू कंप्यूटर सिस्टम, वाईफाई प्लस सेल्यूलर मॉडल अप टू 9 आवर ऑफ सर्फिंग टू वेब यूजिंग मोबाइल डाटा नेटवर्क, आपको इसको पावर एंड बैटरी में जैसे कुछ देखने को मिल जाएगा। एप्पल ने जो न्यू वॉच लॉन्च की है एप्पल वॉच सीरीज 7 एल्यूमिनियम, 1 GB रैम आपको देखने को मिल जाएगी, नेटवर्क 2G 3G 4G रहने वाला है इसमें, और 2021 में एप्पल ने इसे लॉन्च किया है, अभी 2021 का जो इवेंट था एप्पल का उसमें ही लॉन्च किया है, इंडिया में आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगी। वेट इसका रहने वाला है 32-38.8 ग्राम के बीच में। सिम सेम इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, बुलेट मतलब ग्लास फ्रंट, सेरेमेटिक स्पेयर क्रिस्टल बैक, एल्यूमिनियम फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले मतलब रेटिना LTPO OLED 1000 निट्स पीक, रेजुलेशन जो रहने वाली है इसमें 448x368 पिक्सल में रहने वाली है, प्लेटफॉर्म वॉच OS 8.0, एप्पल S7 चिपेस्ट CPU ड्यूल कोर GPU पावर BR, मेमोरी की बात की जाए तो 32 और 1 GB रैम आपको मिल जाएगी, कैमरा फ्रंट इसमें नहीं है, साउंड लाउड स्पीकर है, जस्ट 3.mm जैक नहीं है। तो उसके बाद फ्यूचर की बात की जाए तो थोड़ी सी मैसेज सेंसर जो ब्राउजर नहीं है इसमें, सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, हार्ट रेट, बैरोमीटर, ऑलवेज ऑन, अल्टीमीटर, कंपास, SPO2 VO2 मैक्स। बैटरी की बात की जाए तो LI-Li नॉन रिमूवेबल बैटरी है, वायरलेस चार्जिंग अप टू 18 होर, इसमें मतलब 18 होर आप मिक्सड यूज कर सकते हो। कलर की बात की जाए तो स्टारलाइट, मिडनाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर एप्पल वॉच की 7 सीरीज की प्राइस की बात की जाए तो 30,000 आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, $399 जो कि 30,000 आसपास मेरे ख्याल से हो जाता है। तो एप्पल ने जो आईफोन 13 सीरीज लॉन्च की है उसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर आपके पास डेफिनेटली एक अच्छा फ़ोन है, मतलब 11 या 12 सीरीज में से आपके पास कोई डेफिनेटली एक अच्छा फ़ोन है, उससे भी थोड़ा कम का एक्सेस मैक्स वगैरह या एक्स आपके पास कोई फ़ोन है तो उसे डेफिनेटली यार अपने पास ही रखो, 13 सीरीज में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपको पैसे डुबोने ही है, घंटा लगाना ही है, तो ठीक है फ्रेंड जाइए, पैसे तो नहीं बोल सकता, आपका पैसा है जो करना ही करिए, मैं तो सिर्फ इतनी ही राय दूंगा कि अगर आप 12 में से 13 में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो भाई वेट कर लो, अगले साल की अच्छे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है 8K भी देखने को मिल जाए, 8K वीडियो इस बार हमें देखने को नहीं मिली, 1 TB तो उन्होंने कर दिया लेकिन 8K हमें देखने को नहीं मिली, भाई 1 TB का हम क्या करेंगे जब आप 8K वीडियो नहीं दे रहे हमें, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप वेट कर लो, इतना ज़्यादा पैसा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास ही रखिए जो आपके पास फ़ोन है। अगर आप एक नए यूजर हो, मतलब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है जहाँ कोई एप्पल का 7 या 8 या कोई भी एक्स वगैरह आप उस कन्वर्ट 13 में करना चाहते हो, मतलब आप पैसा लगाना चाहते हो, तो 12 सीरीज ले लो भाई, सॉरी 11 सीरीज ले लो, मतलब मैं तो कहता हूँ कि कोई मतलब वेट कर लो नेक्स्ट ईयर की, इस साल भी पैसा लगा ही रहे हो, एक साल वेट कर लो, अगले साल की आपको अच्छे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, 8K भी देखने को मिल सकती है 1 TB के साथ अगर आप लेना चाहते हो। तो फ्रेंड मैं तो यही कहूँगा कोई फ़ायदा नहीं है, जो है अपने पास ही रखिए, अच्छा रहोगे, बेहतर रहोगे, खुश रहो लाइफ में, ज़िंदगी जी रहे हो, झंड मत करो 13 में जाकर, अच्छे आए 13 भी लेकिन यार 12 में से 13 कन्वर्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।